हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही जल्दी बनने वाला और हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी मसालेदार ओट्स की रेसिपी, जिसमें हम खूब सारी सब्जियों का यूज़ करेंगे। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाल के गरम कर लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। आप कोई भी तेल यूज़ करते हो उसे आप गरम कर लें। और इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च, ज़्यादा तीखी नहीं थी इसलिए दो हरी मिर्च डाला है, और एक छोटे साइज़ के आलू जिसको मैंने बारीक कट कर लिए हैं। आप उबले हुए आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से, जब तक कि आधा पक ना जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हल्की सी इस पर कलर आ गई है और ये आधा पक गया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से लाल वाले कैप्सिकम, हरे वाले का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आधा मीडियम साइज़ के प्याज और इसी के साथ एक छोटा गाजर मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। इन सबको हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। अभी मैं जस्ट भून रही हूँ, हल्का सा मिक्स किया है मैंने। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। तो मैंने यहाँ पर दो चम्मच मटर का यूज़ किया है, फ्रोजन वाले मटर है, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। सब्जी आप अपने हिसाब से डालें, कम ज़्यादा और क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके हिसाब से। इसे हमने थोड़ा सा भून लिया, हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है सभी सब्जियां। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। तो यहाँ पे मैं कोई और मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपल एक पैकेट मैंने मैगी का मसाला डाल दिया। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और जिसे ओट्स नहीं भी पसंद है वो भी बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि ओट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो हम सभी को खाना ही चाहिए। और अगर इस तरह से खाएंगे तो सब्जियां तो जाएगी ही और ओट्स भी जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है ये नाश्ता और जल्दी भी बन जाता है। इसे हम थोड़ा सा भून लिए और इसमें नमक हम बहुत थोड़ा सा डाले हैं, क्योंकि मसाले में भी नमक था। इसके लिए एक चौथाई छोटा चम्मच ही मैंने नमक डाला है और आधा कप मैंने डाला है ओट्स। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप का ही आधा कप मैंने ओट्स लिया और इसे मैं सभी के साथ में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे आधा कप मैंने लिया था ओट्स, तो इसमें मैंने एक कप प्लस 1/4 कप पानी डाला है टोटल। आप दुगना ज़रूर डालें और उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो भी अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद हम इसे 3 मिनट 3.5 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इतने टाइम में ओट्स अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 मिनट हो गया है, अच्छे से ओट्स गाढ़ा हो गया है। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। हमें बिल्कुल ऐसा ही रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कीजिएगा, इस तरह का रखिएगा तो आपका ओट्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, सूखा सूखा नहीं लगेगा और ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं लगेगा। ये बन गया है, गैस मैंने बंद कर दिया। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसे गर्मा गर्म ही खाएँ। रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। क्योंकि मैं खुद ओट्स नहीं खाना पसंद करती थी, तभी मैं ये सब तरीक़ों से मैं ओट्स खाती हूँ, कभी इडली बना के कभी इस तरीके से। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और इसे खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में।